जश्न आजादी आज पूरा देश मना रहा है। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से झंडा फहराया है और जैसे ही झंडा फहराया गया वैसे ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडरों ने स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश कर दी। फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई तमाम मेहमानों के ऊपर। स्वदेशी 105 एमएम लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करके 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले से झंडा फहराया है। ऐसा करने वाले पीएम मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी तीसरे स्थान पर। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन करने का ये दिन है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने महिला अपराधों पर अपनी चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन भी किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट से पीएम मोदी लाल किले तक पहुंचे। पीएम मोदी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, रक्षा सचिव समेत प्रमुख हस्तियों ने स्वागत किया। इसके बाद सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पीएम मोदी ने गार्ड का निरीक्षण किया जिसमें कोऑर्डिनेटिंग जवान और कमांडिंग अधिकारी शामिल हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित भी किया। ये आपके सामने तस्वीरें हम कुछ रख रहे हैं। आज सुबह से अब तक जो कार्यक्रम में पीएम ने मौजूदगी दर्ज कराई और लाल किले के प्राचीर से एक नया इतिहास एनडीए बीजेपी के लिए स्थापित कर दिया कि गैर कांग्रेसी कोई पहला प्रधानमंत्री अब तीसरे स्थान पर आ गया है, जवाहरलाल नेहरू के बाद, इंदिरा गांधी के बाद। जवाहरलाल नेहरू 17 और इंदिरा गांधी 16 और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार ध्वजारोहण किया लाल किले के प्राचीर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर गंभीरता और जल्द जांच की बात कही। उन्होंने पापियों के मन में डर पैदा करने पर जोर दिया, साथ ही राज्य सरकारों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर गंभीर होने के लिए कहा। उन्होंने समाज में अपराध के साथ सजा पर भी चर्चा के लिए जोर दिया। लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की प्राचीर में प्रचारी से मेडिकल के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम मेडिकल की 75,000 नई सीटें बनाएंगे। 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं
करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है कभी कभी जो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता में बदलाव को जरूरी बताया और देश में सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत पर भी बल दिया। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए, और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश के हालात पर भी पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बात की और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो इसकी अपील की। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले, शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभ चिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी दर्शक दीर्घा में पहुंचे और पीएम मोदी अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए लोगों का नजर आए। बच्चे यहां पर भारी संख्या में मौजूद थे, आमजन भी मौजूद थे, हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रांगण में मेहमान मौजूद थे, बच्चे आम लोगों के बीच में महिलाएं, उन सबसे मुलाकात ने की है, उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत भी की, सेल्फी भी। As we celebrate our Independence Day, we not...
इससे पहले पीएम मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन उन्होंने किया। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट से तस्वीरें शोभा की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर जाने से पहले राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए पहुंचे। लाल किले में पीएम मोदी के संबोधन को हर किसी ने बहुत ध्यान से सुना, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय मौजूद हैं, सबने पीएम मोदी की बातों को सुना। लेकिन आपको बताएं कि उनके संबोधन को पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनकी तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए, 2024 में भी पीएम मोदी 2014 की तरह ऊर्जावान, तेजस्वी और ओजस्वी नजर आए। ने कहा कि आज आजादी के दीवानों को याद करने का दिन है। भारत में दम राष्ट्र प्रेम सर्वप्रथम। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हम उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए दिया। अपने वीर शहीदों को, अपने वीर जवानों को और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया और उनके माध्यम से जो ये आजादी हमें मिली है, उसे हम समझोकर, उसे हम संभालकर और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अमृत काल में इसे हमें विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है। और आपको बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने घर पर झंडा फहराया। तो ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास से आ रही हैं दिल्ली की, जहां पर उन्होंने अपने घर पर ध्वजारोहण किया है। वहीं आपको बताएं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में झंडा फहराया। इस मौके पर मोहन भागवत ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई और कहा कि पड़ोसी देश में काफी उत्पाद हो रहा है, वहां रहने वाले हिंदू भाइयों को बिना कारण ही परेशान झेल करा जा रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये भी उन्होंने कहा कि भारतवर्ष की परंपरा दुनिया के उपकार की रही है, हमने किसी पर हमला नहीं किया, जब जो संकट में था उसकी मदद ही की। पड़ोसी देश में बहुत उत्पाद हो रहे, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता, इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है, लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया, जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं, जो संकट में है उसकी मदद करना। मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। देखिए, आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में लाल किले पर जिस तरह से तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 78वें आजादी के दिवस पर 11वीं बार फहराया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी और सीएम धामी ने भी अपने अपने राज्यों में ध्वजारोहण किया। आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि हर तरफ केसरिया, सफेद और हरा रंग ही आपको नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ध्वजारोहण किया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में झंडा फहराया।
आगे आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधान भवन पर ध्वजारोहण किया है। ध्वजारोहण के फौरन बाद लखनऊ में एक साथ राष्ट्रगान हुआ है। 52 सेकंड के लिए लखनऊ के सभी चौराहों के सिग्नल रेड हो गए। इससे 5 मिनट पहले सायरन बजा और 1 मिनट पहले ही शहर भर में पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश और दुनिया में यूपी का परसेप्शन बदला है। यूपी में अपराधों में कमी आई है। महिला अपराधों में सबसे ज्यादा सजा यूपी ने दिलाई। यूपी के माफियाओं पर कार्रवाई से भय और आतंक का माहौल खत्म हुआ है। संबोधन के बाद सीएम योगी ने तिरंगे के रंग के गुब्बारे भी हवा में छोड़े, बच्चों से बातचीत की, बच्चों के साथ सेल्फी ली, उनको प्यार दुलार किया। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य जीरो पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा करेगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।